ओके, सो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे. दिस इज अवर फंक्शंस. नाउ व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू यूज अ फंक्शन एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशंस, फंक्शन कॉल्स, ओके, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स एंड सो ऑन. सो हम ये लेक्चर हमारा कई पार्ट में होगा. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. नाउ What happened if I am not going to use a function? अगर हम function नहीं बनाते हैं तो उसका क्या drawback है? Now, what is the drawback? Let's say this is a big project जहाँ पर हमको simple interest बहुत बार calculate करना था. ठीक है, एक project है, कोई complete Python का program है, बड़ा program है जिसमें हमें simple interest बार बार calculate करना था. तो हमने क्या किया, जब भी हमें calculate करना था हमने उतनी बार यहाँ पर simple interest के लिए variables लिए और value user से read करी और simple interest calculate करके print करा दिया. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक इतना बड़ा है कि आप एक ही काम को जब बार बार करते हैं तो दैट इज नॉट एनकरेज्ड एंड एंडोर्स्ड इन आवर प्रोग्रामिंग. इट इज व्हाट वी कॉल एज अ पुअर प्रोग्रामिंग स्किल्स. इस काम को करने के लिए जब भी आपको कोई काम बार बार करना हो तो आप उसके लिए फंक्शंस बनाएं. क्यों बनाएं? और अगर हम ना बनाएं तो उसका क्या ड्रॉबैक है? उसका ड्रॉबैक ये है कि पहली चीज तो कि आपको उसी कोड को बार बार लिखेंगे तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम. ठीक है ना, मोर टाइम कंजम्पशन, पहला प्रॉब्लम. ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? द सेकंड प्रॉब्लम इज अगर आपने इस कोड में कहीं भी मिस्टेक कर दी तो फिर आपने कॉपी पेस्ट किया इस कोड को, पक्का आपने हर जगह उस मिस्टेक को भी कॉपी पेस्ट किया. नाउ हियर लुक एट दिस, यू आर कास्टिंग दिस वैल्यू विद इंटीजर, सो एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस. इससे क्या प्रॉब्लम है? अब आपने एक जगह जो मिस्टेक करी थी, अगर आपने इसको 10 जगह कॉपी पेस्ट किया है इस कोड को, तो आपको 10 जगह जाके इसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, अगेन विच विल लीड अ लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन. नाउ दिस प्रॉब्लम, नाउ व्हेन द टाइम विल बी कंज्यूम्ड मोर देन द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड. तो जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. क्योंकि एक काम को करने में अगर मुझको 30 डेज लग रहे हैं लेकिन अब उसे मुझे काम करने में 45 डेज लगेंगे तो मुझे 45 डेज में जो 15 डेज एक्स्ट्रा है उसकी भी सैलरी, उसका भी अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे मैंने काम कराया है. दिस इज द प्रॉब्लम. सो दैट प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड एंड इट लुक्स लाइक दिस. ये देखो, ये है वो प्रॉब्लम कि हर जगह पे इंटीजर से आपने कास्ट किया है और आप फ्लोर डिविजन लगा रहे हो हर जगह पे. अब जब फ्लोर डिविजन लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी फाइनेंशियल डेटा एक्यूरेट तो मिलेगा नहीं. और जब आप लगाओगे अगर लेट्स से इसका आंसर आना था 75.50 तो आंसर आपको आएगा 75. एवरीवेयर 0.50 विल बी डिस्कार्डेड एंड दिस आंसर विल बी नॉट अप टू द मार्क. अब आपको मैनुअली जाके हर जगह करेक्शन करना पड़ेगा और ये कोई एक जगह करेक्शन नहीं करना होगा. आपका प्रोजेक्ट कोई 10 लाइन का प्रोजेक्ट नहीं होगा, मे बी इट इज अ 5000 लाइन प्रोजेक्ट. तो क्या करोगे आप? सो दैट इट इज अ प्रॉब्लम. तो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? या तो आप जाके एक एक जगह जाके मैनुअली सॉल्व करो. इस तरह से एक एक जगह जाके सॉल्व कर रहे हो, दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कंबरसम जॉब. या फिर आप इसका एक सोल्यूशन ही बनाओ. अगर आप इसको नोटिस करो कि आप इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बार बार तीन वेरिएबल्स रीड कराते हो और उन पे एक एक्सप्रेशन लगा के वैल्यू रिटर्न कराते हो, क्यों नहीं इसका आप एक फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से? लुक, इस तरीके से आप इसका फंक्शन क्यों नहीं बनाते? आप इस कोड को, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक नेम दे दो और उस नेम के थ्रू हम इसे एक्सेस करेंगे. तो अब हमको फायदा ये होगा कि जब भी हमें इस 4-5 लाइन के कोड की जरूरत पड़ेगी, एवरी टाइम वी विल कॉल दिस फंक्शन. ओके, बिकॉज द नेम इज कैल्क एसआई. यही है फंक्शन. फंक्शन इज अ, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ, क्या है फंक्शन? नेम्ड ब्लॉक ऑफ, व्हाट इज फंक्शन बताओ? नेम्ड ब्लॉक ऑफ, नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. ओके, और क्या करता है ये? परफॉर्म सम टास्क. कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा, परफॉर्म सम टास्क. ठीक है जी, और मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू. मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू. तो हो सकता है ये नहीं रिटर्न कर रहा है, हो सकता है ये रिटर्न ऐसा ही कर दे तो आपको वैल्यू रिटर्न हो जाए. तो दिस इज, और इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ डेफ. अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि बजाय आप इसे बार बार यहाँ पर लाइन्स को लिखने के, यू सिंपली राइट, यहाँ पर आप सिर्फ एक कॉल लिख दो कैल्क एस आई करके. ये आपने कॉल लगा देनी है कैल्क एस आई. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. यू कैन अकम्प्लिश द टास्क बाई ओनली वन दिस स्टेटमेंट ओनली. राइट, लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. आप इस स्लाइड को देखो. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. This is what I have done. I have just created a function def, and now instead of rewriting these five lines, I am simply calling that function. इसका फायदा यही होता है.
जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम बस हम उसकी फंक्शन कॉल से कॉल कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन. दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल. दिस इज कॉल्ड फंक्शन फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है. नाउ द पॉइंट कम्स, सर व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन. अरे भाई व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन. क्या पता चलता है फंक्शन डेफिनेशन से, कोई बता सकता है मुझे. कैन एनीबॉडी टेल मी प्लीज रिस्पॉन्ड सर. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हिच परफॉर्म सम टास्क. हाँ ठीक है, वो तो सही है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन से ये पता चलता है. अगर आपको मैं फंक्शन डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, स्केल कैसा है कि, तो आपको पता चल रहा है कि सर ये सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और उसके आंसर को प्रिंट कर रहा है, यही पता चल रहा है ना. लेकिन अगर मैं एक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ बना देता हूँ डेफ करके, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट हाय, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ग्रीट कर रहा है इंसान को, हाय हेलो, मतलब एक मैसेज प्रिंट कर रहा है हेलो. तो ये फंक्शन डेफिनेशन को देख के पता चलता है कि फंक्शन काम क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट इज परफॉर्मिंग. फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज फंक्शन, सो यू कैन से फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हिच परफॉर्म्स सम टास्क एंड माइट रिटर्न सम वैल्यू. एंड फंक्शन डेफिनेशन इज व्हाट, व्हिच इज डूइंग समथिंग. दैट मींस इफ आई हैव अ फंक्शन डेफिनेशन आई कैन टेल यू व्हाट द फंक्शन इज डूइंग, वेदर इट इज डूइंग कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल और वेदर इट इज चेकिंग वेदर द नंबर इज प्राइम और आर्मस्ट्रांग. सो एंड सो, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है चीज सबको, इज इट क्लियर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो फंक्शन डेफिनेशन को देख के पता चल जाता है कि फंक्शन काम क्या कर रहा है. तो जैसे पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन नहीं पूछ रहा है, ही इज नॉट आस्किंग व्हाट इज फंक्शन, ही इज आस्किंग व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, ही इज आस्किंग व्हाट इज फंक्शन कॉल. सो आई नीड टू नो द डेफिनेशन ऑल्सो, बिकॉज द कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे अटक जाओगे. तो व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, इट टेल्स अबाउट हाउ द फंक्शन is performing any task. Or you can use your own words also. It is not like that ki these are the hard and fast words which I am using. Aap apne hisab se apne common sense ko use karke, intuition use karke, aap iski function definition bata sakte hain ki sir function definition tells what the function is doing in a short and concise way. Short and concise way. Function definition tells what the function is doing. Function kya kar raha hai, what the function is doing, that's it, nothing else. Now sir, what is function call sir, just a minute, one minute, what is function call sir, any idea what is function call? It acts as a switch. भाई अगर फंक्शन को चलाना है तो कौन चलाएगा इस फंक्शन को, हु विल रन दिस फंक्शन, हु विल रन दिस फंक्शन, फंक्शन कॉल. यस, सो इट एक्ट्स एज अ स्विच टू रन फंक्शन कॉल, टू रन और एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल. इट इज यूज्ड, इट एक्ट्स एज अ स्विच टू रन और एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल. समझ आई, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन. तो ये क्या, किस तरह का काम करता है स्विच का, जैसे आपके घर में ना, आपके घर में एक एसी है, सपोज यू हैव एसी इंस्टॉल्ड इन योर होम और अ कूलर. तो अगर आप कूलर के फंक्शन को चलाना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्विच ऑन द कूलर, यू हैव टू स्विच ऑन द एसी, यू हैव टू स्विच ऑन द फैन. सो लाइक दैट, इफ आई वांट टू रन दीज फाइव लाइंस, व्हाट आई एम सपोज टू यूज, आई हैव टू यूज अ कॉल. इसे क्या बोलते हैं, ये फंक्शन कॉल, राइट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप सो इट इज क्लियर. यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, yes, sir. वो जो प्रॉब्लम हमने 10 जगह करी थी ना, ये इंट वाली, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली. अगर हमने सिर्फ फंक्शन बनाया होगा तो फिर हमें एक जगह सॉल्व करना पड़ेगी ये प्रॉब्लम, और वो एक जगह सॉल्व करने से हर जगह सॉल्व हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि हमने 10,000 बार कॉल लगाई है किसी फंक्शन की तो हमें 10,000 टाइम उसकी कॉल में जाके कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे. नो, ओनली वन टाइम इन द फंक्शन डेफिनेशन. लुक एट दिस, ऐसे. इज इट क्लियर नाउ? होप सो इट इज क्लियर. यस सर, यस सर. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यश, अगर आवाज साफ नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, आई एम गोना अपलोड दिस लेक्चर ऑन द यूट्यूब, सो डोंट वरी, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर आल्सो. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से भी पढ़ सकते हो. डोंट वरी,
इसीलिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फंक्शन? सो बेनिफिट इज इट वर्क्स ऑन अ स्टोर एंड रीयूज पैटर्न, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी, रिमेंबर बिगेस्ट एडवांटेज इज, the biggest advantage is reusability. Just hold on, let me see this guys. Yash Pathak, okay now so he will rejoin the class. Now easy to debug, yes definitely. ab aapke paas ek jagah code likha hai to usko debug karna aasan hai aur aap usko solve kar sakte hain quickly without pasting any more time. Now since it is saving your time, so definitely the cost will be reduced. This is the third number and this is the fourth. This leads to this. Is it clear now? What is the benefit of the function? And I told you, who somebody was asked, somebody asked me what is the full forward try. That is, don't repeat yourself. You don't have to repeat the code again and again. We don't have to repeat the code again and again. So this is the story of function definition. Hope so. Clear? May I move on? Okay. So what is the final, what is the definition of the function? Yeah, function ki definition kya hoti hai? It's a named block of statement, named block of statement which perform some task and may or may not return value. Depend karta hai aapke upar hai, ya question mein diya hoga to return karenge, nahi to. In some cases it accepts some input as a parameter for processing, okay, and def is the keyword used to create a function, user defined function. Okay, we could run function's body by writing the function call. So, हमें अगर function को चलाना है, उसकी body को run करना है, function definition की function definition को run करना है, we have to use function call, which I have already explained to you, right? So this is what the notes is. Now, what, how many types of functions are there? Basically, there are two types of functions. Okay, but in the textbook somewhere it is written module based function. I don't accept that it is a function. So basically, functions are of two types. Built-in functions and what is user-defined functions. Built-in functions are those functions which are shipped by Python, which are provided by Python in advance. You do not have to write any coding in that, or आपको अपना खुद ही कोड नहीं करने. This is already given to you. And I told you what is the module, okay na? That means standard library. What is the standard library module of Python? Name of the standard library module, please let me know. I told you already. Anybody else? किसी को याद है? Def. No. Built-ins. Please write down in your notes. Built-ins. This is the standard library module. Remember, okay na? Because it contains all the necessary functions like len, like min, like max, like all, like any. Like opt, bin, id, okay, all type, so on, so very, so many functions, print, these functions, where are these functions are stored, in which module? The name of the module is a built-in module. So this is already been shipped by the Python. Okay, na? Sir, hum kaise check karenge? What is the way to check it? I can show you. So just we will go to the just 1 minute, we will go to our Python idle for this quickly. And I will demonstrate you here. Look at this. Dir. Dir is a command. Everybody write down in the copy, in itself. Write down. Dir command. So dir command is used to give you the all the objects associated with the current scope. That is, that will be clear to you. That means जब आप किसी program को run करते हैं, तो उस program में already कितनी चीजें आपको provide की जाती हैं in advance. Automatically वो सब यहाँ लिखी हैं. जिसमें ये देखो ये लिखा हुआ. Built-ins. Built-ins कैसे काम करते हैं? I'll show you built-ins. Just you write dir in bracket double underscore built ins double underscore and hit enter, and you see these many functions we are using so far. We are using these many functions so far. Notice, just you notice. कौन कौन से फंक्शन हम यूज करते हैं? हम बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन just 1 minute. Now notice this. आप ये यूज करते हैं, आपने len यूज किया, हाँ आपने list यूज किया, आपने print यूज किया, हाँ आपने range यूज किया, आपने tuple यूज किया,
सम यूज किया, एसटीआर यूज किया, सॉर्टेड यूज किया. आई हैव टॉट यू द सॉर्टेड. दीज मेनी फंक्शंस आर वर्किंग राइट. बूल हमने कास्टिंग करी थी, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बिन यूज होता है. ओके, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज होता है. एंड फ्लोट, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट दिस फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ अ बिल्ट-इन मॉड्यूल. दिस इज द मॉड्यूल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिकली. दिस इज द मेन मॉड्यूल व्हिच इज ऑलरेडी बीन अटैच्ड टू यू व्हेन यू आर वर्किंग. तो कोई पूछेगा ये फंक्शन किस मॉड्यूल में होते हैं, उस मॉड्यूल का नाम क्या है. सो दैट द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल इज अ बिल्ट-इन. Hopefully it is clear to all of you. So let's move on. अब हम आगे जाएंगे. So hopefully it is clear to all of you. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So finally, just 1 minute. Okay. So what is user defined function? So built-in function, I think it is clear to everyone that built-in functions are those functions which has already been provided by the Python developers and it is already shipped with Python exe file. Whereas user defined functions are those functions which are developed by the programmer as per the requirement. हम लोग जो functions develop करते हैं, जैसे is prime, is alpha, is the num, या जो भी कोई project बना रहा है और उस project पे जो functions लग रहे हैं, all comes under user defined functions. आपको इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, कोई पूछ सकता है नहीं सर मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन भी तो होते. तो भाई या तो मॉड्यूल तुमने बनाया होगा या फिर पाइथन डेवलपर्स ने बनाया होगा. अगर हमने बनाया तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, और अगर पाइथन डेवलपर्स ने बनाया, गुडोव एंड रॉसम उसकी टीम ने बनाया, तो वो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे. और मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन होता है क्या है, हम जो भी फंक्शन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मॉड्यूल में ही तो लिखते हैं, शेल पे तो कोई फंक्शन लिखते नहीं है. अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सर मुझे फंक्शन बनाना है ना, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ फंक्शन इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन राइट अ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक फंक्शन यहाँ बनाया. Just 1 minute. This is a 145 batch. So these are the functions. मैं यहाँ पर एक function बना रहा हूँ. Sir, how to create a function? अरे साहब कैसे बनाएंगे? Just you see. Is it visible to everyone? F. Is it visible to everyone? Good. हाँ जी. Print. अभी मैंने यहाँ पर लिखा. Hello. ठीक है. Print. Students. Welcome to set classes. So this is what? This is function definition, nothing else. ये function definition इससे ज़्यादा ऐसा कोई use नहीं है. लेकिन ये चलेगी कैसे sir? How to run this code? If you want to run this particular code, you have to call this function. You have to make a call like this. When you call it, it runs. So just see this. तो control कहाँ पर जाएगा? First of all, the control goes to the good header file, header पे जाएगा, and then the next main section line. This is good. अब ये कैसे चलता है, ये पूरा एक न्यूमेरिकल है कि हाउ द फंक्शंस विल एग्जीक्यूट और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट आई विल एक्सप्लेन यू नो डाउट. और हमने इसको रन करा दिया. ओके, ये देखो ये आपका रन हो गया राइट. दिस इज मे बी कुछ और भी साथ पे रन हो रहा होगा क्योंकि मैंने कमेंट नहीं किया होगा नीचे किसी कोड को. सो अल्टीमेटली ये वाला कोड भी रन हो रहा है नो डाउट. होपफुली इट इज क्लियर. जब हम इसे चलाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सी, This is my answer. Hello student, welcome to the Ceph classes तक आ गया. लेकिन यहाँ पर यहीं पर ये जो है ये लाइन के लिए क्लियर नाउ हाउ टू कॉल द फंक्शन. क्या हम इसे एक बार और कॉल लगा सकते हैं कि नहीं, एरर आ जाएगी. अच्छा, मैक्सिमम कितनी बार कॉल लगा सकते हैं, कोई लिमिट है उसकी? कोई लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट. एज मेनी टाइम एज यू वांट यू कैन कॉल द फंक्शन. ओके, सो आप बार बार क्या कर रहे हो, यू आर रीयूजिंग द कोड. नोटिस करो, आपने कोड एक बार लिखा है बट यू आर रीयूजिंग द कोड. तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, यहाँ से इस पर्टिकुलर कोड को रन कराते हो. फिर एक बार जरूरत पड़ी तो आपने फिर इसको रन कराया. तो ये क्या हुआ, ये कोड क्या हो रहा है, दिस कोड इज नाउ रीयूज्ड. You are reusing the code. That is the first point of the advantage of the function, that functions are used to reuse the code. और reuse करने से क्या फायदा हुआ, इसको तीन बार लिखने से हमारा समय बच गया. This is what the advantage of using function. I hope so it is clear. Right? Can I move on? Yes or no? Clear? Yes, sir. Please respond. Yes, sir. Yeah. So now finally,
we have reached that what is, now I hope it is clear to all of you that what is user defined function, yes or no? What is the user defined function? Anybody answer please. What is user defined function? What is user defined function? जो प्रोग्रामर बनाते हैं, डेफिनेटली जो प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. और बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी पाइथन डेवलपर्स हमको प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस. और उसका मॉड्यूल क्या है? बिल्ट इन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है कि साहब फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा. द डेफ स्टार्ट्स विद डेफ एंड देन followed by what? Followed by the function name and then parameters if you have, write the parameters with the comma separation. और उसके बाद colon जरूर लगाना है. देखो ध्यान रखो, जिस भी statement की body होती है, जिस भी statement की body होती है, उस statement में last में colon लगता है. आप if को देखो, if की body होती है, condition देते हो आप, colon लगाते हो, उसके बाद आप यहाँ पर उसकी वो लिखते हो. आपके पास for होता है, for में आप लिखते हो for I in कुछ भी लिख दिया, let's say मैंने hello लिख दिया, अब ये ठीक है ना, लेकिन इसमें बॉडी होगी क्योंकि अगर एच आएगा फिर ई आएगा फिर एल आएगा एंड सो ऑन. कॉलन लगा रहा हूं मैं, तो कहां जाएगा कंट्रोल? नीचे जाएगा. तो एवरी टाइम, सो इफ यू हैव अ बॉडी, इफ एनी स्टेटमेंट हैज अ बॉडी, दिस विल बी एंड एंड विद कॉलन. रिमेंबर, ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, रिमेंबर. इज इट क्लियर नाउ? बंडा क्लियर? तो यस सर. मूविंग, so this is function definition, this is the syntax of a function definition. किसी भी function की definition def से start होती है. किसी भी function की definition में def के बाद we have to write a function name and parenthesis के अंदर comma separated parameter list आती है. depend करता है, ये optional है, आप दे सकते हैं और आप नहीं भी दे सकते. देखो फिर यहाँ पर एक line लिखी हुई, function definition tells what the function is doing. I hope so it is clear. go to the next page. just hold on. Now, what is function call? Sir ji, function ko chalane ka tarika, jo hum discuss kar rahe hai pichle bahut der se. What is function call? It is a switch. It acts as a switch. Now notice, hai na? To run function definition. I hope it is clear. To aap jab ye session khatam hoga, to aapko pata rehna chahiye ki function definition kya hai, function kya hai, function call kya hai. Okay, these three things has to be clear. Types of function pata hona chahiye. Benefits of the function should be clear. Okay, kyunki agar basics clear nahi hoga, to cheeze samajh mein nahi aayengi. राइट, अल्टीमेटली हो क्या रहा, आप आगे बढ़ोगे और आप पीछे का बोलोगे. सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ डेफ फंक्शन. ये हमने क्या बनाया? हमने एक ऐड फंक्शन बनाया व्हिच इज एक्सेप्टिंग ए एंड बी एंड इट इज एडिंग दीस टू वैल्यूज. अब ये चलता कैसे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉल, ऐड 10, 20. अभी क्या होगा? दिस 10 विल बी असाइन टू ए एंड दिस 20 विल बी असाइन टू बी ऑटोमेटिकली. दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन. That means automatically the first value, the first parameter will go to the first and the second will go to the second. This remains. No, don't forget this. Samajh mein aa rahi hai cheez? Similarly, now P is got 5 and Q is got 15. So the value of the P will assign to A because the first value go to the first and the Q will assign to B because second will go to the second. Now, I will let you know what is actual and formal parameters and all the difference. But right now, better kya hai? हमको समझना है कि ये पैसे कैसे पास होता है. अब आपको इसमें चीज आपको मैं बताता हूँ. अब आप इसमें चीज नोटिस करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखो, दिस इज योर ड्राइवर कोड. इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज योर ड्राइवर कोड. ड्राइवर कोड क्या होता है? जहां पर हम फंक्शंस की क्या लिखते हैं? कॉल्स लिखते हैं, राइट? जहां से हम फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल करा रहे होते हैं, राइट? तो फंक्शन डेफिनेशन तो ये है, लेकिन हम इसे कॉल कहाँ करा रहे हैं? कॉल करा रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक में. ये दो ब्लॉक है, रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक वन यू कैन से एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक टू यू कैन से. समझ आ रही है? तो ध्यान रखो, जब हमको वैल्यू को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर करना हो तो पैरामीटर इज द ऑप्शन. सर हमारे पास दो वैल्यू है 5 और 15, सर हम इसको कैसे भेजें ऊपर ताकि ये एड हो जाए? सो द फर्स्ट मैथड इज टू पास थ्रू अ पैरामीटर. सो वी आर पासिंग थ्रू अ पैरामीटर. सो पी की वैल्यू ए को पहुंचेगी एंड द क्यू विल असाइन इट्स वैल्यू टू बी. Is that clear to all of you? Yes, who are attending the class right now? Ye dhyan rakhna, okay? Don't forget this all. So if you want to transfer a value from one block, one block kyun bol rahe hain sir? Aap ise one block kaise hai? Dekho main bata deta hu. Function definition, you can imagine it as a separate room, and this main section statements can be separate room. Main section statements, kaun se statement hote hain? Wo statement jo kisi ki body nahi hote.
जो जो कि नॉन इंडेंटेड होते हैं, ठीक है। और जो मैं एक बार बता दूं वो बिल्कुल मोटा मोटा अपने दिमाग में जरूर रखो, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ये देखो आप नोटिस करो, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एक्चुअली हैविंग, इट्स नॉन इंडेंटेड, ये नॉन इंडेंटेड है। लेकिन आप जरा सा इसको देखो, रिटर्न स्टेटमेंट को देखो, इतना गैप है। व्हाट इज दिस, दिस इज द इंडेंटेड, दिस इज द बॉडी ऑफ द ऐड फंक्शन, ये बॉडी है ऐड फंक्शन की। तो ये कहलाएगा इंडेंटेड पार्ट और ये कहलाएगा नॉन इंडेंटेड पार्ट। जितने भी नॉन इंडेंटेड पार्ट होते हैं दैट कैन बी कंसिडर एज अ सेपरेट ब्लॉक एंड द इंडेंटेड पार्ट कैन बी कंसिडर एज अ सेपरेट ब्लॉक। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये अलग ब्लॉक हो जाएगा, ये नॉन इंडेंटेड पार्ट अलग ब्लॉक हो जाएगा। जब हम इसे चलाएंगे तो ब्लॉक टू से वैल्यू ब्लॉक वन में जाएगी पैरामीटर्स वाइज। तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी हमेशा फर्स्ट को और सेकेंड वैल्यू जाएगी हमेशा इसको सेकेंड को। इज इट क्लियर, समझ में आई ये चीज? यस सर। अब हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। ओके, तो देखो ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डेफिनेशन जानबूझ के लिखी है और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या बताना चाहता हूँ? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले हमें ये तो पता हो कि सर फंक्शन जब चलता है तो हाउ द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन एंड व्हाट इज द रूल ऑफ इट। ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये हमें पता होना चाहिए। टू गेट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, आई एम जस्ट राइटिंग द रूल्स ओवर हियर। व्हाट आर द रूल्स ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन? नंबर वन, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? रिमेंबर एंड टेक द स्क्रीनशॉट वंस इट इज कंप्लीटेड। ओके, व्हाट इज दैट? फर्स्ट रूल इज कंट्रोल विल, कंट्रोल मींस द कर्सर व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन, व्हिच इज रनिंग द लाइंस, व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग द लाइन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। कंट्रोल विल एग्जीक्यूट नॉन इंडेंटेड लाइन्स और नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सेक्शन स्टेटमेंट्स और टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? टॉप लेवल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल विल एग्जीक्यूट नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, From top to bottom, is it clear? Top to bottom. अच्छा, कब तक? Unless or until function call, until function call encounters. Is this point clear to all of you? Is this point clear to all of you? Yes or no? Flow of execution लिख रहे हैं सर। व्हाट इज द मेन सेक्शन? इसमें ये देखो, ये किसी का पार्ट नहीं है, नॉन इंटेंटेड है, सो फर्स्ट लाइन विल रन, लाइन नंबर ये आपको लिखना है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। देन द कंट्रोल गोज टू, इट विल नॉट गो टू द बॉडी ऑफ द टू एंड थ्री, नीदर फोर, कहाँ जाएगा? फाइव पे जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? क्यों जाएगा फाइव पे? क्योंकि फाइव क्या है? नॉन इंटेंटेड है। सबसे पहले कंट्रोल नॉन इंटेंटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम लाइन नंबर वन टू लास्ट लाइन तक, लेकिन जैसे ही उसको वो एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, बट उसे जैसे ही कॉल मिलेगी तो लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करके क्या करेगा? नाउ द सेकंड पॉइंट आई एम राइटिंग, सेकंड पॉइंट इज दैट व्हेन फंक्शन कॉल एनकाउंटर्स, व्हेन फंक्शन कॉल एनकाउंटर्स कंट्रोल गोज टू द बॉडी ऑफ, गो टू द हेडर and body of respective function. समझ में आया? तो यहां पे कहां जाएगा? रिस्पेक्टिव फंक्शन में जाएगा। सो जब फाइव पे आए, सो फाइव कहां ले गया इसको? लाइन नंबर कहां पे ले गया? रिस्पॉन्स दो भाई, वन, देन टू, देन थ्री, एंड देन थ्री पे खत्म हो गया। नाउ थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद क्या हुआ? दिस बॉडी इज नाउ एंडेड। कंट्रोल कहां जाएगा? The control will move to the line number 6. Control goes to the line number 6 and then line number 7. Is it clear now? Yes, sir. लेकिन इसमें एक चीज बता दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ ना? बता रहा हूँ। सर एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा है। देखो, now look at this. When the control, now how the lines will be executed? आपको सबसे पहले क्या करना है? Non
इंडेंटेड लाइंस जो है, यानी जो किसी की बॉडी नहीं है, उन लाइंस को एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम लाइन नंबर वन से लेके लास्ट लाइन तक। लेकिन कैसे कैसे चलना है? ओके, लाइन नंबर वन आया, एग्जीक्यूट, ओके आई एम एग्जीक्यूटिंग लाइन नंबर वन। उसके बाद सर क्या टू एग्जीक्यूट करेंगे या थ्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी है, ये कब चलेगा? ये तो जब फंक्शन की कॉल आएगी तब चलेगा। तो हमें लाइन नंबर वन को बार एग्जीक्यूट करना है, और इस लाइन पे क्या रजिस्टर करता है पाइथन इंटरप्रेटर की, ओके देयर इज अ ग्रीट नाम का एक फंक्शन है जो हमें आगे उसकी कॉल मिल सकती है, सो इट विल रजिस्टर दिस नेम एज ए आइडेंटिफायर, और वो आगे इसको कंसिडर कर लेता है दिस फंक्शन एज अ समथिंग एंड वी विल कॉल इट। अगर कोई कॉल करेगा तो हम उसे यूज करेंगे। उसके बाद आता है लाइन नंबर फाइव पे, क्योंकि नेक्स्ट जो नॉन इंटेंडेड है वो कौन सी लाइन है? लाइन नंबर फाइव। तो कहाँ पे पहुंचे हम? लाइन नंबर फाइव पे। अब देखो मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट क्या बनाया और फर्स्ट पॉइंट क्या बनाया, कंट्रोल विल एग्जीक्यूट नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है भाई, चलते हैं टॉप टू बॉटम। कब तक? अंटिल फंक्शन कॉल एनकाउंटर्स, जब तक हमें फंक्शन कॉल नहीं मिल जाती। अब देखो हमें लाइन नंबर फाइव पे फंक्शन कॉल मिल गई तो हम लाइन नंबर फाइव पे रुक जाएंगे। और हम दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर टू, व्हेन फंक्शन कॉल एनकाउंटर्स, जब हमें फंक्शन कॉल मिल जाए, कंट्रोल गोज टू द हेडर, कंट्रोल विल गोज टू द फंक्शन हेडर and the body of the respective function, और उसकी body को execute करेगा sequentially सारे statements। तो यहाँ से line number 5 से control जाएगा line number 1 पे, क्योंकि इसकी header है। भाई greet का मतलब क्या है? भाई इस function को run करो। इस function को run करेंगे कहाँ से? Start कहाँ से होता है? जहाँ से start होता है वहाँ से run करेंगे। तो start कहाँ से होता है? Line number 1 से start होता है। तो पहले line number 1 चलेगी, फिर line number 2 चलेगी, फिर line number 3 चलेगी, और जब तीनों लाइनें चल जाएंगी तो उसके बाद हम कहाँ पर जम्प करेंगे? कहाँ पे जम्प करेंगे? लाइन नंबर 6 पे। क्यों जंप करेंगे भाई? फाइव का काम कंप्लीट हो गया। फाइव मतलब यूं समझ लो, फाइव की जगह पे ये तीन लाइनें लिखी थी, यूं समझ लो। फाइव की लाइन को हटा के, ग्रिड की कॉल को हटा के, ये जो तो तीन लाइनें इस जगह पे लिख दो, वो तीन लाइनें चली। तो फाइव के बाद ये तीन लाइनें चली नहीं चली, वन टू थ्री। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? सिक्स पे जाएगा, और उसके बाद फिर सेवन पे जाएगा, और सेवन क्या? फिर से एक कॉल है, तो कहाँ जाएंगे? सेवन से फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा? सुनो फटाफट आंसर दो। नो रिप्लाई, नो, किसी को नहीं पता? माइक ऑन करो, फटाफट बताओ। लाइन नंबर वन पे, लाइन नंबर टू पे, लाइन नंबर थ्री पे, समझ आएगी बात? तो जितनी बार भी कॉल आएगी, जितनी बार भी कॉल आएगी, उतनी बार हम लाइन नंबर वन टू थ्री यानी उसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी इंक्लूडिंग हेडर। ये कॉमन आपको याद रखना है। इज इट क्लियर नाउ? सो योर आंसर विल बी, यहाँ पर आप कितना आया? सो ये वन पे पहुंचा, फिर उसके बाद फाइव पे पहुंचा, फिर वन टू थ्री पे हुआ, फिर उसके बाद सिक्स पे आया, फिर उसके बाद सेवन पे आया, और सेवन इसको कहाँ ले गया? वन टू थ्री पे। तो सेवन के बाद वन, फिर टू और फिर थ्री। दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। पेपर में ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखने को आता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आ गई ये चीज? यस सर। हमारी क्लास 145 से कितनी चलेगी? 245 तक ना? Yeah. So hope that it is clear to all of you. अच्छा, इसमें एक और twist है that I want to explain. No, see, this is the way. ठीक है, तो this is the flow of execution. आपने बता दिया. That's good, very good. So this is the output. This is the output. इसमें से पहले greet चलेगा तो how, hi और how do you print होगा, और उसके बाद Ali print होगा, और फिर hi, how do you? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Na? Good. Okay. So now this is what? It is not like that ki function is not returning a value. Sometimes functions also return a value, like ORD function is returning a value and accepting also. So it is returning some value and I'm catching this value. And jab hum kabhi bhi catch karte hain value ko, to dhyan rakho, thoda sa flow execution mein change aata hai that I'm going to explain. Wo main aapko explain karunga. Abhi. Just one minute. Just let me see this code. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना? फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वन मिनट, ओके ना? लुक एट द कोड, प्लीज लुक एट द कोड। एफ मैंने यहाँ पर बनाया, जस्ट होल्ड ऑन, डेफ, लेट्स से आई एम राइटिंग यहाँ पर कैल्क यू आर, आई एम टेकिंग साइड हियर and I am returning here, return side asterisk, right? And here I am making a call of it. अभी ध्यान से देखो,
okay now this is main section huh? Okay remember now I am putting here x is equals to 5 and here I am writing p is equals to calc sqr and here I am writing value of variable x and I am printing here print p. Again I am passing here let's say y is equals to 10 and print directly I am passing calc sqr and here I am passing the value that is called y. Okay, so this is what this is the line number 1, line number 2, line number 3 and 4, 5, 6, 7. Okay, just 1 minute, no problem. Okay, these many are the lines now. My question is that, okay, sir, iska flow of execution kya? Question is flow of please. देखो अब मैं तुम इसका flow of execution सिखाता हूँ. राइट तुम्हें पता है ऑलमोस्ट तुम्हें पता है रूल नंबर 1 तुम्हें पता है क्या है रूल नंबर 1 कौन बताएगा जल्दी से कोई भी बताओ रूल नंबर 1 कोई भी रिप्लाई करो प्लीज नॉन इंडेंटेड पार्ट को पहले यूज करो हां ठीक है नॉन इंडेंटेड पार्ट हमारा जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कॉल नहीं आती तो हमारा नॉन इंडेंटेड पार्ट कहां तक है बताओ जरा सामने कोई भी बताओ 1 2 3 4 5 6 1 2 नहीं आएगा बेटा 1 2 का क्या आएगा 2 क्यों आएगा 2 क्यों आएगा 2 इंडेंटेड नहीं हां तो क्या 1 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 4 अब देखो 4 पे कॉल आ गई 4 पे कॉल आ गई ना तो हम कहां जाएंगे यहां से 1 हां तो फिर 1 जाएंगे 4 से हम जाएंगे 1 और 2 पे कहां पे जाएंगे 1 पे और 2 पे अब देखो नोटिस करो एक चीज ध्यान रखो अब हम 5 पे नहीं आएंगे ना क्योंकि calc square का मतलब है कि calc square को क्या रन कराओ इसमें फिर हमें मिलेगा साइड इनटू साइड यानी 5 इनटू 5 और 5 इनटू 5 होगा तो 25 होगा तो 25 किसको असाइन करना होगा p को सो द 25 विल बी असाइंड बैक टू p तो कंट्रोल विल रिटर्न बैक फ्रॉम लाइन नंबर 2 टू लाइन नंबर 4 अगेन और वो असाइन करेगा इस वैल्यू को यहां से इसको ठीक है यहां असाइन करेगा तो जब भी अब देखो ये फैक्ट है ध्यान रखो ये पिछले वाले एग्जांपल में नहीं था लेकिन इस एग्जांपल में है बस यही एक फैक्ट बचा था जो मुझे बताना था व्हाट इज दैट व्हेनेवर वी आर कैचिंग द वैल्यू फोर्सफुली व्हेनेवर वी आर कैचिंग एक्सप्लिसिटली हम कैच कर रहे हैं यहां पर वैल्यू पी पे पी में कैच कर रहे हैं इसकी वैल्यू तो जब भी हम किसी फंक्शन की वैल्यू को कैच करेंगे अपने वेरिएबल में अपने अपने किसी भी वेरिएबल में तो फिर कंट्रोल विल कम बैक ऑन द सेम लाइन ऑफ द फंक्शन कॉल ताकि वो वैल्यू असाइन करे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही यह क्या क्या होगा हां यहां पे क्या होगा ये वैल्यू असाइन भी तो करना होगा भाई पी को देंगे नहीं अगर हम सीधे 4 पे चला के और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके 5 पे चले जाएंगे तो पी प्रिंट क्या करेगा तो पी को वैल्यू कहां मिलेगी तो इसका मतलब है हमें वापस आना पड़ेगा और 4 पे असाइन करना पड़ेगा सो हमारा इसका आंसर होगा 1 2 और उसके बाद क्या होगा 4 आई समझ में 1 2 और 4 समझ में आई 1 2 और 4 और 4 के बाद वैल्यू असाइन करी हमने वापस पी को और फिर हम जाएंगे किस पे लाइन नंबर 5 पे समझ में आई ये चीज और फिर उसके बाद हम कहां जाएंगे 5 के बाद कहां जाएंगे 6 पे और 6 के बाद हम कहां जाएंगे 7 पे और 7 के बाद हम कहां जाएंगे 7 के बाद देखो फिर से कॉल आई अगेन वी विल गो टू द लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 7 ठीक है ना 7 पे प्रिंट करने वापस भी तो आना पड़ेगा इस जगह पे वैल्यू भी तो रखने आएंगे हम 100 रखने आएंगे ना सो दिस इज माय फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सो रिमेंबर व्हाट इज द रूल नंबर 3 What is the rule number 3? That was the rule number 1 and 2. Now rule number 3. If the point is that if we are catching, this is my own language. Huh? If we are catching returned value of function, then control comes back. Or control will come back on the same line. Control will come back on same function call.
ठीक है ना, फॉर व्हाट, टू असाइन वैल्यू, टू असाइन वैल्यू, वैल्यू असाइन करने आएगा ना फोर को, इसको पी को असाइन करने आएगा ना। इसी तरीके से जब ये हम वापस यहां से भेज देंगे लाइन नंबर सेवन से, इसकी कॉल लगेगी तो कंट्रोल यहां जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद साइड साइड को एग्जीक्यूट करेगा और साइड में तो साइड की वैल्यू रिटर्न होगी, तो कहाँ रिटर्न होगी, इसी जगह पर रिटर्न होगी और यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, हंड्रेड आ जाएगा इसकी जगह पर और प्रिंट हंड्रेड हो जाएगा। सो वैल्यू रिटर्न करने के लिए वापस आना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द फाइनल रूल ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार इन दिस लेक्चर, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन एंड what is you know, what is function call and what is flow of execution, how many types of functions are there, like this is what we have learned so far. Okay, learned so far. Now we are moving on to our final exercise. Okay, so these are the points to be remember. You can take a screenshot of it, that we can create a new function using a def keyword. And the body of the function needs to be indented. It is a common thing because for key or while key or if key, sab ki body is indent hoti, the body to indent hoti hai. That's not a big issue. Okay, now, lekin function bana dene se function run nahi hota. Okay, now, this defines that function, but this defines the function. That means, aap def se koi function banayenge, to function to ban jayega, but wo run nahi hoga. Kab tak? Jab tak ki aap use call nahi kare. So, once we have defined a function, we can call or invoke it as many times as we like. By using function call, by using function call, okay, and it works on a store and reuse pattern. We can store and we can reuse. अब हमने एक बार function बना के रख लिया है, उसे हम जितनी बार चाहें उसको हम call लगाएं, no problem. जैसे हम print का call हमेशा लगाते रहते हैं, जब भी हमें कुछ print करना होता है, बार-बार call करते हैं, तो वो store है उसकी definition, हम उसे reuse कर रहे हैं. So function का जो major advantage है, वो क्या है? वो है reusability of the code. और जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, हमारा कॉस्ट बचता है, हमारी डिबगिंग में टाइम कम लगता है, यानी कि एरर रिजॉल्व करने में टाइम कम लगता है. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. यहां तक आकर के हमने आज आपको पढ़ा दिया, आई होप इट इज क्लियर. कल से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हम कल से पढ़ेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां तक सबको क्लियर रहना चाहिए. कल हम टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. थैंक यू, कैन गो नाउ.